तो दोस्तों क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि स्पेन की जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन बनाने वाली कंपनी है, दैट मींस फैट एंड स्टाल्गो, इनसे इंस्पायर की गई हाई स्पीड या सेमी हाई स्पीड ट्रेन अब भारत में बनाई जा सकती है। इसके बारे में काफी लोग जानकर हैरान रह जाएंगे, लेकिन अब ये डेफिनेटली पॉसिबल होने वाला है। दरअसल अब यहाँ पर भारतीय कंपनी भारत फोर्ज, इनकी एक सब्सिडियरी कंपनी है बीएफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्होंने तो सीधा सीधा अब टैल्गो के साथ ही पार्टनरशिप कर ली है फॉर मैन्युफैक्चरिंग हाई स्पीड ट्रेन्स इन इंडिया। अभी आपको बता दें कि ये जो टैल्गो ट्रेन है बहुत ही ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाकी की बुलेट ट्रेन से तो बहुत ही ज्यादा अलग है। टैल्गो एक होल ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी है स्पेन बेस्ड हाई स्पीड ट्रेन मैन्युफैक्चरर पैटेंट्स टैल्गो की, और इन्हें तो 75 ईयर्स का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इन टर्म्स ऑफ डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रेन। वैसे अब ये जो जॉइंट वेंचर फाइनली हुआ है, ये फोकस करेगा भारत में न्यू टेक्नोलॉजीज लाने में, साथ ही में हाई स्पीड रेल टेक्नोलॉजी और किस तरह से हम भारतीय कंडीशंस को ध्यान रखते हुए कुछ लेटेस्ट ट्रेन ला सकते हैं, इस पर फोकस किया जाएगा। बेसिकली देखा जाए तो जो डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटीज है हमारे रेलवे के सेक्टर में, और साथ ही में आत्मनिर्भर विजन, इसे बूस्ट मिले, उस पूरे इकोसिस्टम को ध्यान रखते हुए भारत में कुछ ट्रेन बनाई जाएंगी। वैसे आपको बता दें कि टैल्गो ट्रेन की खास बात ही यह है कि बाकी की बुलेट ट्रेन से तो ये कई गुना ज्यादा एफिशिएंट है। सबसे पहले तो अगर आप इनके व्हील आर्किटेक्चरल को देख लो, ये तो बहुत ही ज्यादा अलग है, इंडिपेंडेंट व्हील जैसे सिस्टम लगाए गए हैं, और इसमें तो नेचुरली फिर टिल्टिंग भी मिल जाता है, अलग से कोई टिल्टिंग टेक्नोलॉजी लगाने की जरूरत भी नहीं है। इसी के साथ ही अब ये जो कोलैबोरेशन हुआ है, ये फोकस करेगा कि एक मैन्युफैक्चरिंग बेस सेटअप किया जाए, मेंटेनेंस, लाइफ साइकिल सपोर्ट सब प्रोवाइड किया जाएगा हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो अपकमिंग ट्रेन्स होगी उनके लिए, एनर्जी एफिशिएंट, लाइट वेट, एल्यूमिनियम हाई स्पीड ट्रेन्स अब भारत में ये लोग बनाना शुरू कर डालेंगे। वैसे ये जो जॉइंट वेंचर की अनाउंसमेंट है, ये उस समय आ रही है जब सरकार भी बहुत ज्यादा ही फोकस कर रही है सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स भारत में लाने की। सो ये भी एक काफी अच्छी बात है कि मौके पर चौका अब यहाँ पर ये कंपनी मार रही है। रिसेंटली सरकार ने भी 100 वंदे भारत ट्रेन्स का टेंडर फ्लोट किया था, जिसकी मैक्सिमम स्पीड तो 200 किलोमीटर पर आर की होगी, और इसमें काफी सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है। सबसे पहले तो इसमें आर्टिकुलेटेड बोगीज है, एल्यूमिनियम बॉडी है, भारत में आज तक एल्यूमिनियम वाली ट्रेन्स कभी पहले नहीं आई थी, स्पेशली अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन की बात करें तो। और इसमें तो पूरा स्लीपर फैसिलिटी ही होगा जो आने वाले समय में राजधानी को भी रिप्लेस कर डालेगी। सो होपफुली अब ये जो नया जॉइंट वेंचर हुआ है, इसके जरिए भारत में और नेक्स्ट जनरेशन सेमी हाई स्पीड या फिर हाई स्पीड ट्रेन बनाई जा सकती है। इसके बारे में आपकी क्या राय है डेफिनेटली कमेंट्स में बताइएगा।